हेलो ऑल, आज के इस पिक्चर में हम लोग एरे को देखेंगे। तो एरे जो है कुछ खास नहीं, बस सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। और सवाल उठता है कि हम लोग एरे क्यों यूज़ करते हैं। तो हमें डेटा टाइप मिला हुआ है कि एक अगर मुझे 5 रिकॉर्ड रखने हैं तो मैं 5 वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर 10 रिकॉर्ड्स 10 डेटा अगर मुझे रखना है कहीं पे तो मैं 10 वेरिएबल बनाता हूँ। बट वैसा कोई सिचुएशन आता है कि जब मुझे थाउजेंड्स ऑफ डेटा मुझे रखना है सिमिलर टाइप्स के, यानी इंटीजर के ही मुझे 1000 नंबर लेके मुझे रखना है कहीं स्टोर करना है, उस सिचुएशन में बेसिक डेटा टाइप मेरा काम नहीं आता। तो हम लोग एक नया तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और वो है एरे का कॉन्सेप्ट। एरे क्या करता है ना कि एक ब्लॉक देता है जिसमें मल्टीपल्स डेटा को हम लोग रख सकते हैं, बस सब डेटा का टाइप सिमिलर होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि एक कैसा तरीका है। ये देखें, ये जो है एरे, ये देख रहे हैं, ये एरे का ब्लॉक है। जैसे कि अगर मुझे 5 नंबर रखना है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ब्लॉक्स है, ठीक है। 5 पैकेट है इसके अंदर, एक एक कंप्लीट एरे का साइज। इसका नाम मैं रख लेता हूँ लिस्ट। इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरे का नाम अगर मैं लिस्ट रखता हूँ तो मुझे क्या करना है, अगर 5 नंबर रखना है मुझे तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए बी सी डी ई। 5 नंबर रखने के लिए 5 नंबर्स मुझे स्टोर करने, तो मैं एरे बनाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वेरिएबल बनाऊँ और मेरा 5 नंबर उसमें स्टोर हो जाए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एरे यूज़ करूँगा उस कंडीशन में, और मैं एरे का एक नाम दूंगा। तो ये कंप्लीट ब्लॉक जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो एरो हेड यहाँ से, यानी इस पूरे ब्लॉक को हम एक नाम देंगे लिस्ट, और उसके अंदर बॉक्स बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक, जिसमें 5 नंबर मैं आसानी से रख सकूँगा। बट इसमें देखना है, ये इंडेक्स होता है इसका, इंडिसेस, यानी कि इस ब्लॉक को बोलते हैं 0, इस ब्लॉक को बोलते हैं 1, इस ब्लॉक को बोलते हैं 2, इस ब्लॉक को बोलते हैं 3, इस ब्लॉक को रखते हैं बोलते 4। अब हम इस इंडेक्स के जरिए इस ब्लॉक पर डेटा रखेंगे या वहाँ से रीड करेंगे, ठीक है। तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है, हम एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, क्योंकि एरे का प्रोग्राम होगा। बोलते इंट, देखिए एरे बनाने का तरीका, यहाँ पे मैंने बोल दिया अगर मुझे 5 नंबर्स रखना होता तो मैं कैसे बोलता, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह से, ठीक है। 5 वेरिएबल मैंने बनाया, बट मैं कह रहा हूँ कि 5 वेरिएबल बनाना है तो आसान है, आपको 10 वेरिएबल्स भी बनाने हैं तो आसान है, आपको 20, अब 1000 वेरिएबल, 100 वेरिएबल, तो क्या करेंगे आप, 100 वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, उस सिचुएशन में आपको एरे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाया जिसमें 5 नंबर डालने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वेरिएबल बना दिया, एक मैं उसके इंडेक्स को आई से इंडिकेट करूँगा, एरे के इंडेक्स को आई से इंडिकेट करूँगा मैं, ठीक है। तो इधर नहीं देखे, एरे के इंडेक्स को, जैसा कि आपने अभी देखा है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इसको जरा देखें, ये जो पूरा कंप्लीट बॉक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा फाइवों बॉक्स का नाम हमने क्या दिया है, पांचों बॉक्स का नाम हमने लिस्ट दिया है। और ये जो आई मैंने लिया इस इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, एक बार इंडेक्स उसका 0 होगा तो आई का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इससे, ठीक है। आइए पूरा वापस इस तरह, ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर करेंगे CLR SCR क्लियर स्किल। अब देखें कि इस लिस्ट में हम डेटा को रख कैसे सकते हैं, तो दो तरीके अपने पास, आप ऐसे भी करके डायरेक्टली रख सकते हैं, 1 मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, पहले मैं 4 रख देता हूँ पहले पे, दूसरे पे 5, 4, 3 रख देता हूँ, 7 रख देता हूँ मैं, 8, 6 रख देता हूँ, और मैं फाइनली 8 रख देता हूँ। मैंने कितना वैल्यू रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, ज़्यादा हो गया, मैं 1 को कम करता हूँ, मैं 5 ही रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
अब मुझे इसको देखना है, तो कैसे देखता हूँ मैं, प्रिंट एफ करूँगा, ठीक है, प्रिंट एफ इंटीजर है तो क्या लेंगे, परसेंट डी, और मुझे क्या देखना है, लिस्ट में रखा हुआ डेटा देखना है, ठीक है। तो लिस्ट मैंने एक एक तो एरे बनाया लिस्ट नाम का, और उसमें जो डेटा रखा हुआ है तो उसको मुझे देखना है कि इस जीरो इंडेक्स पे कौन होगा, अपने पास जीरो इंडेक्स पे फाइव होगा, वन पे थ्री होगा, टू पे सेवन, थ्री पे और फोर पे एट, तो मुझे जीरो इंडेक्स पे देखना है कि क्या है वैल्यू, ठीक है। मैं रन कराता हूँ, आप ज़रा देखिए क्या मिला, फाइव, जीरो इंडेक्स पे क्या फाइव, और मैं चाहता हूँ कि पाँचवें नंबर पे रखा हुआ, इसको क्या मिलेगा, एट, ठीक है, क्योंकि फाइव आउट ऑफ इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स कहाँ से चलता है, जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर, तो फाइव हो गया, फाइव ही नंबर इसमें, अगर मैं फाइव लिख देता हूँ तो एट के बाहर जो कुछ भी वैल्यू रखा हुआ होगा दे देगा, बिना मतलब का कुछ भी दे रहा है, जीरो दे दे रहा है, देख रहे हैं, कुछ भी दे देगा, ये हर वक्त जीरो दे रहा है बाई डिफॉल्ट, यानी गार्बेज वैल्यू जीरो इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर दे रहा है, गार्बेज वैल्यू नहीं ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि वन बाई वन करके इसको प्रिंट कर लूँ, कैसे कर लूँ, वन बाई वन करके, ठीक है, वन बाई वन करके या लूप लगा के, तो मैं चाहता हूँ कि एक लूप ही चल जाए जो जीरो से लेकर फोर तक के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दे। तो एरे क्या है, एरे इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है, और ये एक ड्राइव डेटा टाइप भी हो जाएगा, क्योंकि मैं एक अलग तरह का डेटा टाइप बना के यूज कर रहा हूँ। चले अब हम लोग एक फॉर लूप यूज कर ले रहे हैं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें आई को कहाँ से चलाना होगा, आई को ले कहाँ तक चलना होगा, फोर तक ले गया, आई को बढ़ाना कितना होगा, वन वन, ठीक है, तो इसीलिए हमने प्लस प्लस, और प्रिंट एफ क्या हमें, और परसेंट डी क्योंकि इंटीजर है, और हमें लिस्ट में से निकालना है, तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स दे रहा था, बट अभी अब क्या दूंगा, आई दूंगा, क्यों, क्योंकि आई कभी एक बार जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, जैसे होगा वैसे ही प्रिंट होते हुए चला जाएगा। और मैं एक न्यू लाइन भी यहाँ ले लेता हूँ, देखे ज़रा, अब मैं रन कराता हूँ, देखे फाइव थ्री सेवन सिक्स एट, जो वैल्यू आपने डाला वो वैल्यू आपको मिल गया। तो ये सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है, ये सिंगल डायमेंशन एरे हो गया। आप इसमें वैल्यू को रख भी सकते हैं, तो रखने के लिए भी आप या तो इंडेक्स से इंडेक्स इंडेक्स को डायरेक्ट कॉल करा दे, जैसे कि लिस्ट किया, ठीक है, आप बोलो कि जीरो पे मुझे वैल्यू पुट करना है, क्या रखना है, जीरो पे वैल्यू रखना है, जीरो पे किसको रखना है, तीन को, जीरो पे रख दिया दस, पहले जीरो पे क्या रखा हुआ था, फाइव, बाद में जीरो पे क्या रख दिया, टेन, तो अभी हमें फाइव मिलेगा, टेन मिलेगा, देखिए करके देखता हूँ, तीन मिला, तो ये सेम सिंपल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है, जो वेरिएबल में पहले डाला, बाद में उसको अगर हम दूसरा वैल्यू डालते हैं तो पहले वाले वैल्यू को वो क्या कर देता है, ओवरलैप कर देता है, पहले वाले को हटा देता है, नया वाला वैल्यू दिखा, तो सेम यहाँ पे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक लूप चला के भी इसके अंदर वैल्यू को डाल दूँ, तो देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे फाइव वैल्यू लूँगा, तो जैसे मैं उसके वैल्यू को देखने के लिए चाह रहा हूँ, उसी तरह से हमें क्या करना होगा, वैल्यू को निकालना भी पड़ेगा, तो क्या यूज करेंगे, स्कैन एफ, रखने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, मैं क्या यूज करता हूँ, लिस्ट, और लिस्ट के किस इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे वैल्यू रखता हुआ चला जाएगा, देखिए जरा इसको, एक एरर जनरेट हुआ है फॉर लूप के लिए, क्योंकि फॉर लूप पे मैंने कुछ भी रखा नहीं है, तो आई को कहाँ से चलाना है, जीरो से, क्योंकि पहले जीरो इंडेक्स पे वैल्यू रखना है, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, ठीक है, तो आई को मैं कहाँ तक चला देता हूँ, फोर तक, और आई को मैं कितना कर देता हूँ, प्लस प्लस। अब देखिए हमारा प्रोग्राम, मैंने जीरो पे सिक्स रखा, फाइव रखा, सेवन रखा, फोर, ये देखो सिक्स फाइव फोर सेवन एट प्रिंट हो रहा है, जैसा वैल्यू मैं रखता हूँ, हाँ एक मैसेज पास करा दें, इंटर
element of array. आप एरे के एलिमेंट को एंटर कीजिए, जब एक बार एंटर कर लेंगे एरे में रख देंगे तो फिर आपको प्रिंट भी हो जाएगा फॉर। ओ अच्छा, यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ हमने किया और इसे मुझे क्या बोल देना है कि लिस्ट ऑफ या एरे एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। इस एरे का नाम हमने क्या दिया था, लिस्ट। क्या रखा है नाम हमने इसका, लिस्ट रखा है, लिस्ट दिया था। हो गया, सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, समझ पा रहे हैं बड़े आसानी से। अब मैं पहले एलिमेंट पे जीरो पे किसको रखा, नाइन को, एट पे किसको रखा, वन पे किसको रखा, एट, सेवन, फिर नाइन, फिर एट, 28। देखिए फाइव वैल्यू इंटर हो रहा है, फिर कैसे है जरा समझे। ये जो हमारा ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक आप एरे का देख रहे हैं, ये ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जीरो इंडेक्स पे जाएगा, वैल्यू जाएगा इसका। देख दिखाता हूँ मैं कैसे ये काम कैसे कर रहा है एक्चुअली। जब मैं इसमें अच्छा इसका साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, सिक्स ठीक है, मैंने इसमें क्या डाल के दिया, सिक्स ठीक है, तो जीरो पे क्या चला गया, सिक्स। दूसरा इस पे क्या डाल देता हूँ मैं, उस पे सिक्स डाला, इस पे थोड़ा डाल देता हूँ मैं फाइव, दिख रहा है। वन पे क्या गया, फाइव, इधर फिर डालूंगा मैं, इधर मैं ले लेता हूँ फोर, इधर मैं ले लेता हूँ एट, और इधर मैं ले लेता हूँ मे बी टू, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने रखा इसमें एलिमेंट, ये जो एलिमेंट मैंने रखा ठीक है, तो आप ज़रा देखिए कि ये जो कंप्लीट ये है अपना, ये पूरा बॉक्स, इसका नाम मैं दिखाता हूं कि मैं कैसे किया हूं। इस पूरे का नाम मैंने दिया है, इस पूरे ब्लॉक का नाम है ठीक है, इस पूरे ब्लॉक का नाम मैंने क्या दे दिया, लिस्ट। क्या दिया है, लिस्ट। इसका नाम, इस पूरे का नाम मैंने दिया है लिस्ट, इस पूरे का नाम हमने लिस्ट दिया। अब देखिए, जब मैं लिस्ट बनाया तो एक मेमोरी में क्या हुआ, एक जगह बना ठीक है, जिसमें छोटे छोटे कितने बॉक्स बने, पांच, जिसमें से पहला बॉक्स का इंडेक्स क्या है, जीरो, दूसरे बॉक्स का इंडेक्स, तीसरे का, चौथे का, और पांचवें का फोर, दिख रहा है। ये इस तरह से हमारा एरे काम करता है ठीक है ना। तो अब हमें, जब हमें इसमें इसमें वैल्यू रखना हो, ठीक है 12,000 का, इसको पर रहे 10,000 का, सर ऑफिसर को, हाँ, तो अगर मुझे इस इंडेक्स पे वैल्यू रखना है या निकालना है, कुछ भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। ये जो हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट, इसको सबसे पहले लेना होगा, और उसके बाद फिर क्या करना होगा, हमें इंडेक्स को उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला मेमोरी ब्लॉक है उसका नाम लिस्ट, और उसके अंदर जो छोटा छोटा मेमोरी ब्लॉक है उसका नाम हमने इंडेक्स रखा है। तो
हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, बड़ा वाला मेमोरी ब्लॉक हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इंडेक्स का भी ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए हम लोग कैसे करते हैं ना, जब मुझे उस तरह का काम करना होता है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, एक लूंगा मैं ऐसा लिखूंगा लिस्ट, और उसके अंदर एरे का इंडेक्स, अगर मुझे जीरो पे काम करना है तो जीरो, वन पे डेटा रखना है तो वन, टू पे रखना है तो टू, थ्री, इस तरह से मेरा एक्सेस करने का तरीका है ये, ठीक है। अगर मैं लिस्ट फोर किया तो इस पे रखा हुआ वैल्यू क्या है हमारे पास, लिस्ट फोर किया तो रखा हुआ वैल्यू क्या है, ये अपने पास टू है, तो ये टू मुझे मिलेगा। अगर मैं इसमें प्रिंट एफ करता हूँ तो टू मुझे मिलेगा, और स्कैन एफ करता हूँ तो क्या करेगा, उस पर जो वैल्यू हम इनपुट कराएंगे वो वैल्यू इस पर रख देगा। समझ गए होंगे आप लोग, ओके। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। देखिए, हमने लिस्ट नाम का एक बनाया था, उसमें पांच, पहले तो मैं क्या कर दिया, स्कैन एफ की मदद से लिस्ट आई के जरिए से वैल्यू को रखता चला गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर इंडेक्स को एक्सेस किया, यानी इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इस लिस्ट के जरिए मैं उस बड़ा वाला ब्लॉक जो मेमोरी दिखाया मैंने इमेज, उसको एक्सेस किया, और ये आई के जरिए उसका इंडेक्सिंग एक्सेस कर लिया, क्योंकि मैं कहाँ तक चल रहा हूँ, जीरो से फोर तक, क्योंकि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, कितना हो गया, फाइव एलिमेंट हो गए। तो ये है, हम इस ब्लॉक से क्या किया, एरे में वैल्यू को रखे, और इससे क्या किए, प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो यही अपना एक इसका समझने का तरीका है, जैसे 10 रखा मैं, 20 रखा, 30 रखा, 40 रखा, 50, फाइव एलिमेंट्स चले गए, एंटर मारूंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम आपने देखा है, और हम लोग आगे अब बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे की। तो अगर आपको इस एरे के कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर।